अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी सुबह के बजे हैं 10 और मैं उठा नहीं, उतर ला के मुझे उठा दिया। कहता है वो इंक्यूबेटर कहाँ पे, वो देखो पता नहीं बत्तख के अंडे लाया है। लेकिन वो कोई नहीं, वो खराब ही हो जाएंगे वो वाला, कोई नहीं सही। वो जो बाहर से मिलता है ना दूसरा टेम्परेचर वाला, जिससे सेट होता है उधर टेम्परेचर, वो वाला सही होता है, इससे तो अंडे खराब ही होंगे बत्तख के। बाकी यार रात की मूँगफली बची हुई थी, मुझे पता ही था, मैंने कहा है आज रात को दोबारा मूँगफली लाऊंगा, लेकिन ये बची हुई थी, ये भी खाते हैं, लेकिन रात को दोबारा भी मैं लेऊंगा। बाकी अब ये खाते हैं मूँगफली, आपको मिलता हूँ ये खाने के बाद। यार अभी दोपहर के 1:30 होने लगे हैं और यार अभी तक मैं लेटा हूँ, खाना नहीं बन के आया। राजमा चावल का वेट कर रहा था मैंने, फिर मम्मा को कॉल करके पूछा, मैंने कहा कि क्या मतलब राजमा चावल बना रही हैं कि नहीं। कहते हैं गैस ही नहीं है, राजमा चावल कहाँ से बनाने हैं। यार पाकिस्तान का ही मसला, सर्दियों में गैस नहीं आती और गर्मियों में लाइट नहीं आती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर्दियों में कहते हैं जी गैस जम गया, और किसी मुल्क में नहीं गैस जमती, इसीलिए पाकिस्तान में जमती है, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान। बाकी मामा को कुछ बोला तो है कुछ बना के भेजे, बड़ी सख्त भूख लगी हुई है, पता नहीं क्या बना के भेजती है, या भेजती है कुछ बना के, तब आपको दिखाता हूँ। जा रहा हूँ मोटरसाइकिल धुलवाने में, तला रस्ते में मुझे मिल गया, तला कहता मैं रोड पे लेना है, चल मेनू भी ला दे रोड पे। मैं कहा चलो जाने देते हैं, मेरी जरा वीडियो भी सही बननी थी। तला मोटरसाइकिल चला रहा है, पहले जाना है जी, पहले मैंने धुलवाना है मोटरसाइकिल, फिर लेने हैं नान, फिर मैंने लेने नान समोसा लेना। तला को यहाँ पे अभी मैं ला दूंगा एंड फिर मैं धुलवाऊंगा मोटरसाइकिल, क्या उतार दूंगा तमीज ले जाना भाई, मैं उधर जाना है मोटरसाइकिल धुलवाना है। हेलो किधर जाना है तू? दो दुकाना को नहीं इधर रुक, मैं मोटरसाइकिल धुलवावा तो फिर ना समोसा लैके तो आ रहा। बाकी यार मैं मोटरसाइकिल धुलाने वाली दुकान में पहुंच के आप देर अभी मैं बैठा हूँ मोटरसाइकिलों वाली दुकान पर, अभी वो अंदर खा रहे हैं रोटी, इसलिए जरा देर लगेगी मोटरसाइकिल धुलने में, जब धुलते तब आपको बात। सारा मोटरसाइकिल धुलवा दिया है और नान भी समोसे भी ले लिए हैं। अबू कह रहे थे मैं नान ले आऊँगा रास्ते में, मुझे घूम लेते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं घर के पास, नहीं बल्कि गली की गली में पहुंच गया हूं। अभी समोसा डालते हैं, नान भी अबू लेंगे। तो अभी मैं जब ऊपर बेड में जाता हूँ अपने रूम में, तब आपको यार अभी मैं मोटरसाइकिल धुलवा के नान समोसा लेके घर आ चुका हूँ। गली में आपको दिखा दे सारे मोटरसाइकिल का जो कहते हैं मैं भूल गया, आगे मेरे दिमाग में आया था लेकिन मैं भूल गया, वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया, पहले क्या स्टेप है दूसरा स्टेप सारा कुछ। और ये नान समोसा मैंने पापड़ी साइड से सारी खा ली क्योंकि भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी। ये चटनी है और साथ ये नान जो कि मैं अभी खाता हूँ, और आपको मैं मिलता हूँ खाना खाने के बाद, फिर परिंदों की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। तो यार अभी मैं अपने भाई को करने लगा हूँ मेकअप, ये सारा मेकअप का सामान पड़ा है, रुक जो कैमरा था, ये सारा मेकअप का सामान पड़ा है। और ये मेरा भाई है, अभी ओए लिपस्टिक ना खराब करी मरे, अभी मैं इसको लिपस्टिक लगाऊंगा फिर सारा मेकअप करूंगा। अभी जो मैंने इसको थोड़ा सा मतलब मेक ओवर किया है इसका, वो ये किया है, ये देखे मैंने इसको मेकअप किया, देखे आगे से, और कमर पे भी इसके मैंने थोड़े से टैटू बनाए आगे हो क्लियरली। इधर आओ मैं आपका मेकअप दिखाऊं जो मैंने यहाँ पे किया, फिर बैठो ना, वो देखें ये भी मैंने लिखा है पीर बाबा गट्टू पागल है क्या भोसड़ी के। और अभी इसका पूरा जब मेकअप होता है तब आपको मैं दिखाता हूँ। यार अभी मैंने अपने भाई को मेकअप कर लिया, हाँ मेरे भाई का सारा मेकअप डन हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें मेरे भाई का मेकअप मैंने खुद किया अपने हाथों से, कैसा लग रहा है इधर देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह, इधर देखो लिशान। यार मुझे कमेंट में 10 में से रेट कर देना जी, हाँ मामा पता नहीं जो मामा भाई है ना, आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि मैंने अपने भाई को कैसा मेकअप किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने उसको मतलब जिस तरह के मॉडल्स होती हैं, हीरोइंस होती हैं, कटरीना कैफ और पता नहीं होती हैं, मैं असल में मूवीज कम देखता हूँ, साउथ मूवीज देखता हूँ, इधर देखो तो मुझे इतना एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, देखे माशाल्लाह से उनको ये मतलब टक्कर दे रहा है, इतना मैंने प्यारा उसको मेकअप दिया। मेकअप तो उतने ना रखी है जिदियाँ ना सट्टा तेन पहनिया ने, जान तो ज्यादा अजीज होंगे कुड़िया मेकअप, ठीक है ला जा तू ला जा, बिस्मिल्लाह दी बरकत करो जी।
बिस्मिल्लाह 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 रख छोड़ो तीन थोड़े जी ला छोड़ा अगर तको तको जी माड़ा वीर चेक करो जी मेरे का बच्चे का डान कहाँ छोड़ा देखें दूर से ही इतना प्यार लग रहा है शाइन धूप में जाएगा शाइन पड़ेगी इसके मुंह पे। मैं भी आपको धूप में भी लेके जाके इसको दिखाता हूँ तो मैं आपको बिटा इसको धूप में लेके आज को इधर आओ पीर अली इधर आए ये चेक करे जी माशाल्लाह धूप में धूप में ऐसे इधर देखो इधर ये चेक करो इधर देखो ऊपर 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 देखो ये देखो जी माशाल्लाह कितना मेरा भाई प्यारा लग रहा है ये मतलब है मैंने खुद मेकअप किया है इधर देखो ना मैंने मेकअप की भी अगर आप मुझे बोलेंगे तो मेकअप की भी मैं ट्यूटोरियल की वीडियो बना दूंगा इधर देखो ना सामने ऊपर 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 कैमरे में इधर ये देखो जी माशाल्लाह अल्लाह नजरे बात से बचाए मैंने अपने भाई को बहुत अच्छा मेकअप किया है इस तरह का मेकअप क्या कहते हैं बड़े से बड़े सैलून भी नहीं इस तरह का मेकअप करते जिस तरह का मैंने अपने भाई को अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप किया जी जी देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है जाओ मामा के पास आप जाओ बस आपको मैं दिखाना था आपको दिखा दिया चलो जाओ जाओ मेरा बच्चा जाओ मेरा सोना अभी मैं आपको परिंदों की भी सूरत हाल दिखा देता हूँ तो इनको अभी तक इन्होंने अंडा नहीं दिया पता नहीं इनका कहाँ पैर लगेगा तो अंडे देंगे इसने भी अंडा नहीं दिया इसने तो देना भी नहीं है खाना शाना सारों का पड़ा बने पानी शानी सारों का पड़ा बने तो बस आज परिंदों की यही सूरत हाल है और तो कुछ नहीं है इतनी ज्यादा तो नहीं लगी क्योंकि ये इतनी स्पीड में था तकरीबन बस नॉर्मल स्पीड में था तो जा रहा था एकदम से बंदे ने अगले ने मोड़ा है तो इसकी स्पीड एकदम से इतनी काम नहीं हुई तो फिर रेड़ गया यही हुआ है अभी इसको जाते सिविल अस्पताल टीका शिका लगवाते हैं फिर मैं आपको मिलता हूँ वापसी पर या फिर सिविल अस्पताल के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। यार अभी मैंने अहमद को टीका लगवा दिया है और सारा काम मैंने खुद किया फर्स्ट टाइम मैंने इतना सारा काम किया इसको टीका लगवाया पहले पर्ची बनवाई फिर डॉक्टर के पास गए हैं यही मोटरसाइकिल है ना हाँ फिर डॉक्टर के पास गए हैं फिर दवाई ली टीका लिया फिर बुलाया कोई बंदा नहीं था उधर फिर मैंने अंदर से बंदा बुलाया मैंने कहा भाई टीका लगा दो यार फिर वो आए हैं टीका लगवाया अभी इसको हल्की सी दर्द होने शुरू हो गया क्योंकि ये जो टैटनस का टीका ना जब लगता है ना तो बंदे से तो बंदे वो हाँ जिधर लगे उधर हो रहे टीके पे भी जिधर तुझे टीका लगा उधर भी तुझे लाजमी दर्द होगी लेकिन वो है कभी तू कहता है गांडू जिधर लगी उधर हो रही है कभी तू कहता है टीका लगे उठे हो रही है आए अभी से होने शुरू हो गया तो जब उतर तो रात को क्या होगा मुझे तो तब नहीं थी इतनी टैटनस का जो टीका होता है ना वो तब भी ऐसे लगे ना तो उस वक्त थोड़ी फटती है बाद में लेटर ही नहीं होता भाई पत्थर की तरह बांध देती है टुई बाकी अभी चलते हैं घर आपको मिलता हूँ घर पहुँच फिर अभी रात को बाद 7:15 अभी मैं अहमद को टीका लगवा के घर पहुँच चुका हूँ और अहमद अभी मेरे साथ खेल रहा है गेम इसका ग्रैंड मास्टर हो गया हुआ है बाकी अभी इस व्लॉग का यहाँ पर करते हैं ये व्लॉग सिर्फ यहाँ पर यहाँ तक ही था बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में फ्रीम आने लाला और यार एक बात बताना भूल गया कि कबूतर का बच्चा भी हो सकता है मुझे कल मिल गया बाकी अब अगर कल मिलता तो आपको बताता हूँ बाकी इस ब्लॉग के यहाँ पर करते हैं बाकी चलो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिल्म आने वाला हूँ।